गृह वाटिका जैसा हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसी क्रम में जैसे कि हम आपको अब इस समय इंदरपुरी में हैं और हमारे साथ हैं मान्या जी और उनकी माता जी तारा सफीर जी हैं, और इन्होंने जो गृह वाटिका में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं। आपकी सक्सेस स्टोरी भी हमारी इंडियन हॉर्टिकल्चर में छप चुकी है और 2019 में। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को जो आप गृह वाटिका में करते हैं, जिसे हम टेरेस गार्डन या किचन गार्डनिंग भी कहते हैं, तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को ना शुरू से एनवायरनमेंट को फ्रेश और ग्रीन रखने का था हमेशा से। जी जी जी, जो भी घर हो उसको ग्रीन और फ्रेश रखो, और ऐसे प्लांट्स हमने जब घर बना था कि लगाए कि जो सारे साल ग्रीन रहे, और उसके बीच में फ्लावरिंग प्लांट्स किए थे, सारे साल। तो आपने ये जैसे आप सब्जियां भी लगाते हैं, आपके पास कुछ फल के पौधे भी हैं, आपके बहुत सारे फूलों के पौधे भी हैं, तो कुछ है। जी, तो इन सब चीजों के लिए आपको जो जैसे पौधे तो मिल जाते हैं, नर्सरी से मिल जाते होंगे या दूसरी जगहों से मिल जाते हैं, लेकिन पूसा संस्थान आपके बिल्कुल पास में है, तो इसका क्या योगदान है आपके इस गृह वाटिका में? उनसे जो भी हमने पौधे लिए हैं या बीज लिए हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा, इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ मिली है हमें उनसे, जब भी और जिस भी डिपार्टमेंट से लिए उन्होंने बड़ी अच्छी तरह हमको समझाया, बताया और गाइड किया जैसे हम जानते हैं कि आप जैसे मेरे 2016 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने पिछले साल भी आपका टेरेस बहुत अच्छा था, इवन कोरोना के समय पे भी आपने बहुत अच्छी सब्जियां यहां पे अपने टेरेस पे पैदा की और लोगों के बीच में उनको साझा किया। तो आप और क्या मतलब जैसे सब्जियों की बात है, तो सब्जियों में आप क्या क्या सब्जियाँ लगाती हैं? हमें सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का शौक है। अच्छा, हरी पत्तेदार सब्जियां आप लगाती हैं? पत्तेदार सब्जियां और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां लगे जी जी, उससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम फ्रेश फ्रेश तोड़ो और लाके बना लो या वैसे ही खा लो कच्चा। अच्छा, आपको इनका कोई ऐसा इकोनॉमिकल पहलू भी समझ में आता है कि कुछ ये हमें आर्थिक रूप से भी मदद करती है आपकी ये गृह वाटिका? आपको आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत करती है, बट मुझे लगता है कि जो फ्रेशनेस है ना, जो बिना पेस्टिसाइड्स के, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं कम्प्लीटली फ्रॉम द सॉइल से लेके, तो उससे हमें लगता है वो बड़ी पौष्टिक रहती है वो सब्जी, और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी होती है बाजार की सब्जी। लेकिन फिर भी एक कुछ तो जैसे आप रोज 100 रुपए की बचत होती है या 50 रुपए की बचत होती है, इस तरह अगर आप जोड़ें। कि हमने पूरी विंटर्स में कोई भी हरी सब्जी नहीं खरीदी, कोई गोभी नहीं खरीदी, कोई ब्रोकली नहीं खरीदी, कोई पालक नहीं, कोई पालक मतलब कोई ग्रीन नहीं, मेथी पालक धनिया जो लेटस, आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हमने कुछ भी नहीं खरीदा है, मतलब तो वो सब कुछ आपको आपके किचन गार्डन से मिल रहा है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि मान्या जी और उनकी माता जी अपनी छत पे जो उनकी गृह वाटिका है उसमें उन्होंने 20 से ज़्यादा तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं, उनमें स्विस चार्ड है, पत्ता गोभी है, चेरी टमाटर हैं, लेट्यूस है, पासले है, और इसके अलावा शिमला मिर्च है, मेथी है, पालक है, चुकंदर है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, मलाबार स्पिनिच है, पुदीना है, ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो उन्होंने लगाई हुई हैं और वो उसका उपयोग कर रहे हैं, और अपनी शुद्ध और स्वस्थ सेफ वेजिटेबल्स जो हैं उनको उनकी छत से मिल रही हैं। और एक लोगों के लिए जो हमारे शहरी भाई हैं उनके लिए एक नज़ीर भी साबित हो रही है। ये देखिए आप कि सीनियर सिटीजन हैं और इस उम्र में भी इस तरह की गृह वाटिका को मेंटेन किए हुए हैं। इन्होंने एक छोटा सा ये शेड नेट हाउस भी बना रखा है कि जो हमारी जब धूप ज़्यादा तेज होती है तो उससे बचाव के लिए, और इसका एक और इनकी स्वस्थ जो ये स्वस्थ रह रही हैं इसका एक कारण ये बागवानी भी है, क्योंकि आपको अच्छा माहौल मिलता है, आप पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं और अपने आप को व्यस्त भी रखते हैं, कुछ शारीरिक श्रम भी होता है। हमने तो इतनी सारी सब्जियां गिना दी आपके बगीचे की, 83 मतलब 83 अपने जीवन में चल रही है। क्या आप जो सब्जियां होती हैं वो अपने पड़ोसियों से साझा करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और बहुत इंस्पिरेशन जो आता है बगीचा देखने के लिए
वो बहुत खुश होता देख के कि हमें भी करनी है, हम भी लगाना चाहते हैं। तो एक तरह से मतलब आप एक जैसे हमारे पूसा के एक एम्बेसडर साबित होते हैं कि जो हमारी तकनीकी है, और बहुत सारी चीजें हैं, हमें बताना भूल गया, यहाँ पे आपने सॉयल लेस उसमें लगा रखी है, बिना मिट्टी के जो हमारे परलाइट, कोकोपीट और बर्मिकुलाइट में है, वो कई सारी चीजें लगी हुई हैं।